कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था, कलाकारों के लिए मैंने भानुमती का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था, मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था, एक तो राजा और दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, और भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए, 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। उनका चंडी रूप देखकर मेरी हिम्मत छूट गई, अरे तब तक उन महिला कलाकारों की हड्डी पसली से टूट गई। ताली बजाओ यार, ताली ना बजाओ, टूट गए। मैंने अपने कारखास सिपाही को, कारखास सब लोग जानते ही, मैंने अपने कारखास सिपाही को राम बनाया था, मैंने अपने कारखास सिपाही को राम बनाया था, उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था, उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था, साहब आप बबूल का आम बना रहे हैं, साहब आप बबूल का आम बना रहे हैं, अरे जो रावण से भी गया गुजरा उसको राम। आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा, आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा, अरे 100 रुपया नहीं छोड़ता है ये अयोध्या की राजगद्दी के छोड़। बीच नाटक में इसका लालच जाग जाएगा, बीच नाटक में इसका लालच जाग जाएगा, अगर कोई डीलिंग वाला मामला आ गया तो रोल छोड़ करके भाग जाओ। रामलीला अलग चलेगी, रामलीला अलग चलेगी, ये अलग राग गाएगा, रामलीला अलग चलेगी और ये अलग राग गाएगा दूसरे, ये रामलीला अलग चलेगी, ये अलग राग गाएगा। आज तक दूसरे जिले में ड्यूटी नहीं गया है, 14 साल के लिए बनवास का था। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, सुनिए भाई राम प्रकाश जी, आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। ये धनुष टूटते ही थाने का हेड मोहरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पे उठाने लगा। उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, क्योंकि जो धनुष टूटा था ना वो माल मुकदमाती था। हेड मोहरीर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में पेशी है, अब बताइए कौन सा धनुष पेश करेंगे। मैंने एक तरकीब बताई जो हेड मोहरीर को भा गई। तब तक पुरातत्व की टीम खाने पर आ गई, पुरातत्व की टीम वाले अलग गरमाने लगे, उल्टा जलवा बताओ थाने मार करके हम ही को दिखाने लगे। फिर मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया। अगले दिन 50 किलो गांजा और टूटे धनुष के साथ अम्मी को अदालत में पेश किया। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 15 दिन की छुट्टी। और इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान बना कैदी बीच रास्ते से ही। बहुत बहुत बढ़िया, अगला लो बन गया, अरे 12 मिनट का बन गया।